चलिए बोलिए, टेम्पू का भाड़ा मनमानी ले रहा है, काहे ले रहा मनमानी? मैं बोल रहा हूँ शेख अनवर ग्राम कूटे से, पोस्ट सांडी सिकिदिरी थाना झारखंड रांची। मनमानी काला बाजार, मनमानी काला बाजार, दबा के जो नर्टी चिपता उस तरीका से अभी हमारी रोड पर चल रहा है, जो हमारे टेम्पू लोग भाई लोग चलाते हैं। अब बताइए 150-200 रुपया रांची जाने में, जो 20 रुपया में जाते थे वो 200 रुपया, 250 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया, जैसा पड़ रहा वैसा ले रहा है। ये क्या धंधा है? अगर जिसके पास 500 रुपया इलाज के लिए जा रहा है, 500 रुपया भाड़े में लग गया तो इलाज क्या करेगा? बहुत से मेरा है देहात में गरीब, ये 500 रुपया खोज करके जो सो जाता है लोग की कैसे दवा लाए, और 500 रुपया भाड़े लग जाएगा दो आदमी का, तो दवा कौन चीज मिलेगा? अगर नहीं देते हैं तब नहीं जाते हैं। लॉकडाउन का मारा हुआ कमर टूटा हुआ है, बीमारी का मारा हुआ कमर टूटा हुआ है, चावल देने से नहीं होगा। इसमें कानून को लागू, भाड़ा किराया जो है अभी ले रहा है उसमें आप कानून लगाइए, कस के कानून लगाइए, एक रेट। ये तो जो पार रहा है सो ले रहा है, जहाँ जैसा पार रहा है वैसा ले रहा है। ये तो डकैती काला बाजार तो एकदम दिन धड़ाके हो रहा है, लूट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। अगर कानून आप सही इसको बनाइए तो किराया एक माने सबका होना चाहिए, 30 रुपया तो 30 रुपया, 20 रुपया तो 20 रुपया, इस तरीका से किराया होना चाहिए। तेल का दाम बढ़ गया 5 रुपया तो इन्हें सीधे बढ़ा दिया 15 रुपया, ये क्या तरीका है? एक पैसेंजर का तेल में जो सो 3 लीटर तेल का कीमत ले रहा है, 15 रुपया बढ़ाया, 5 रुपया तेल का बढ़ाया। अब बताइए 3 लीटर में 5-5 रुपया, 15 रुपया हो गया, और उसमें 14 पैसेंजर, 15 पैसेंजर, 12 पैसेंजर बिठाता है। ये आंधी धुंध कर दिया, ये तो ऊपर देख रहा है, अकबका जा रहा है, जहाँ ना तहाँ गाड़ी को सटा रहा है, इतना रुपया हो गया उनको, अद्भुत रुपया हो गया टेम्पो वाला का। कहीं पर गाड़ी रोके, अगर कहीं पर किसी तरह का इमरजेंसी में परेशानी में हम कभी नहीं रोकता है गाड़ी, चाहे मरे चाहे है। ये कानून गलत कर रहा है, ये देखिए इसको जांच कीजिए तरीका से, इसको किराया कम से कम कम कीजिए, एकदम कम कीजिए। बहुत सा मेरा देश में गरीब है, मेरा झारखंड में बहुत सा गरीब है, खेती बाड़ी करने वाला आदमी है, सब किसान सबका आदमी है, डेली पैसा उतना कहाँ पाए, 250-300 रुपया, 400 रुपया मिलता है। आप रांची में आपको खुद मालूम होगा, हमारे सरकार को खुद मालूम है कि हमारी लेबर को कितना पैसा मिलता है, 400 बहुत सौ। अब बताइए आना जाना में 200-150 रुपया तो उसका 300 का भाड़ा हो गया, 100 रुपया में बाल बच्चा को चावल खिलाएगा कि पढ़ाएगा कि इलाज करेगा, बोलिए। सब भाड़े में, गाय का घी गाय का सिंग में जा रहा है, कहाँ से आदमी बच पाएगा, कैसे उसका कमर सीधा होगा, कैसे जी पाएगा, कैसे आगे बढ़ सकता है? ये सब गलत कानून है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। कानून को एकदम कड़े कानून कीजिए कि किराया इतना लेना है, अगर कोई किसी तरह का गलत किसी गरीब को परेशानी करता है उसको या FIR कर दो थाना में, साफ जवाब, तब डरेगा लोग और सही रेट पर और सही अच्छा काम करेगा और सबको सुविधा होगा, फायदा होगा। बस यही सब बोल रहे हैं। और एक तो और बात है, हमारी सरकार कंप्यूटर की नियम बना दिए है चावल गेहूँ। अब बोलिए कंप्यूटर 20 मिनट टाइम लेता है, अगर उसका नहीं उठा तो 40 मिनट टाइम लेता है। अब एक आदमी का 40 मिनट टाइम, एक आदमी का 40 मिनट टाइम तो 40 आदमी का कितना मिनट टाइम लेता है, बोलिए। 4 रोज काम नक्सवानी होता है, आता है जाता है, 4 आदमी को तो दे ही नहीं पा रहे हैं, बेचारा क्या करेगा, उसका कंप्यूटर कभी लिंक हो जाते हैं, टिंक हो जाते हैं, ये क्या इस समय मैंने एकदम बच्चा खेलने का जैसा हमारी सरकार कर रहे हैं भाई।
इस सब तरीका ठीक नहीं है, हमको पसंद नहीं लग रहा। पहले रसीद में था, फटाफट हो जाता था, एक घंटा में गरीब चावल लेकर के भात रिंगते थे, जा करके घर में खाना बनाते थे, बाल बच्चा सब खाता था। ये आज डीलर को भी परेशानी है, जनता को भी परेशानी है, कार्डधारी को, ये एकदम नजायज एकदम परेशानी हो रहा है। कानून कैसे बनता है हमको तो कोई समझ काम नहीं दे रहा है। कानून को सही ढंग पर बनाने का जरूरत है। एकदम पागल बन गए दिमाग, सबको एकदम पागल बन रहा है। क्या दिमाग है खुदा जाने भगवान जाने। जो हाथ पैंचा जैसा ये है, रसीद में लिख देता है, रसीद में इंक्वायरी नहीं होता, हर चीज में इंक्वायरी होता है, मगर ये झूठों को एक कंप्यूटर लगा करके आज लिंक नहीं है, ये नहीं आज लिंके नहीं है, कल आइए परसों आइए, अब चार दिन से लाइन गया तो गया, अब हमारे यहाँ चावल नहीं है, कैसरा लगाया कि कल मिलेगा तो चावल लाके बाल बच्चा को खिलाएंगे, अब लिंके नहीं आ रहा है तो हम का करें। वही उधरा पैंचा करके खाते हैं, उपचार वालों मिलता है फिर उसको दे देते हैं, फिर जो कसो हम हो जाते हैं, क्या फायदा हो रहा है बोलिए। एकदम इसको कड़ा कानून कीजिए, रसीद का नियम था वो रसीद कीजिए, रसीद के हिसाब से काटेगा, फटाफट हो जाएगा। इतना उलझन काम, इतना जो कंप्यूटर जहां ना तहां लगा दिए, पैसा गवर्नमेंट की फालतू चला गया, बोलिए ना कंप्यूटर में आपकी है तो कितने को पकड़े, कितने नजायज को आप पकड़े, एक पीस को बता दीजिए, कहीं पर नहीं पकड़ाया झूठो। इसलिए कि काहे टाइम लॉस कर रहे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए, फटाफट रसीद दीजिए, रसीद के नियम पर डीलर बांटेंगे चावल दाल जो भी देते हैं आप। रसीद में बहुत कीमती चीज होता है, ठेपा निशान वहाँ लेने में बहुत दिक्कत होता है, फट से दे करके अपना चावल तौला के चल जाएगा। ये आसरा देख ले रहता है मायना का जैसा गलत है, बस क्या बोले। सबसे ज्यादा इस दो काम को आप सरकार हमारे हमारी तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ, ये दो काम को एकदम बहुत पुख्ता कीजिए, बहुत जरूरी कीजिए। ये रोड टेम्पू वाला जो है मनमानी का काम कर रहे हैं, और ये जो ठेपा का काम कर रहे हैं टेम्पू वाला अथी वाला कंप्यूटर वाला, ये गलत हो रहा है, इसको इसको कम से कम बंद कीजिए, रसीद की नियम कीजिए। मैं एकदम बुढ़वा का आदमी हूँ मगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बोलिए ना। जहाँ 400 या 300 का कर्जदारी है वहाँ पर 30 आदमी का देगा तो कितने दिन तक देगा गरीब। वो भी टड़ाया, मेरा कर्जदारी भी टड़ाया, परेशानी हुआ। एकदम इसको कंप्यूटर को हटाइए, रसीद का नियम पर काम कीजिए, रसीद में फटाफट हो जाएगा, और अपना गरीब जा करके कुछ काम धंधा करेगा ले करके। बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, 100 रुपया भाड़ा ले लेता है। अब उस जगह पर बोलिए कि कितना रुपया हमको मिलता है, कितना रुपया मिल रहा है, कम से कम महंगाई जमाना है, 50 रुपया का खाना खाते हैं, 100 रुपया भाड़ा लग जाता है, 150 कितना बच रहा है, 300 में कितना बच रहा है, कैसे चलेगा ऐसा। ये तो अमेरिका ये तो विदेश का जैसे हो गया है कि विदेश में जैसे वेतन तनख्वाह मिल रहा है 3-2 लाख रुपया मिल रहा है, उस हिसाब से यहाँ हमारी झारखंड में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, बताइए। ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए कहाँ, जहाँ पर वेतन ज्यादा मिल रहा है, हर लोग को नौकरी है, हर चीज का सुविधा, उस जगह पर ये सब काम करने से फायदा होता। मगर अब यहाँ गरीब भीख मांगा जैसा हो गया है। एक तो लॉकडाउन में कमर टूटा हुआ है, और फिर कमर टूटा जाता है टेम्पो वाला कर देते हैं, ये जो है सो फिर ये ठेपा निशान वाला जो है डीलर लोग परेशानी में रहते हैं, डीलर परेशानी में है, कर्धारी परेशानी में। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं, क्या बोलते रहूँ, हमको तो बड़ा भारी अफसोस लगता है। इसलिए इसको ज़्यादा कानून को कारवा जादू जितना जल्द हो इसको कीजिए। मैं नमस्कार करता हूँ हमारे मंत्री जी को, और जितने हमारे छोटे बड़े अफसर हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस कार्रवाई को एकदम जितना जल्द हो एकदम जल्दी कर, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी। नमस्कार।